अगर वे अगर श्री नरेंद्र मोदी जन्म से पिछड़े होते तो क्या आरएसएस उन्हें कभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने देती? वैसे भी श्री कल्याण सिंह जैसो का आरएसएस ने क्या बुरा हाल किया है तो ये देश सब जानता है। और सही मायने में तो श्री नरेंद्र मोदी को जो कल इन्होंने जो भी कुछ बोला जातिवाद को लेकर, तो हमारे ऊपर कोई आरोप लगाने से पहले ये तो मैंने आपको सब बता दिया, इनको अपने गुजरात में भी ज़रूर झांक कर देखना चाहिए कि मुझे कल मालूम हुआ है कि गुजरात में अभी भी वहाँ पे दलित वर्ग के लोग मान और सम्मान की ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर सकते, और वहाँ पर एक दलित वर्ग के का लड़का था, उसकी शादी थी तो उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, और जैसे दूसरे लोग अपनी रस्म करते हैं या खुशी का इजहार करते वो उसको नहीं करने दिया और उनका बड़ा उत्पीड़न किया है। तो ये भी उनको देखना चाहिए कि वहाँ पर उनके गुजरात में क्या हो रहा है। तो ये इसलिए मैंने खास तौर से कल उन्होंने अपनी चुनावी रैली में जो हमारे गठबंधन के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया है, तो मैं समझती हूँ कि ये जवाब उनके लिए देना बहुत ज़रूरी था। धन्यवाद। सवाल है कि आजकल जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि रैली में जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आप देखते हैं, आपने लंबा, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके की वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी विरोधी पार्टियों के विरुद्ध, तो उससे ऐसा लगता है कि उनकी हार डेफिनेट है, उनकी हार होने वाली है, और वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह ही तो वो किस्म किस्म के बेबुनियाद गलत तथ्यहीन आरोप अपने अपोजिशन पे लगा रहे हैं। तो अब तो पूरा देश जान चुका है कि अब ये बीजेपी दोबारा से अब सत्ता में आने वाली नहीं है, और ख़ासकर श्री नरेंद्र मोदी का सपना अब दोबारा से पूरा होने वाला नहीं है कि वो देश के अब प्रधानमंत्री बनेंगे।